is a people be on fire. लोग आग से भरे हुए हों. On fire for God. परमेश्वर के लिए आग से भरे हों. On fire for God. जब वो परमेश्वर के लिए आग से भरे हुए होंगे. They have to multiply. तो उन्हें गिनती में बढ़ना है. Because they're not on fire, they become like that. यदि आप आग से नहीं भरे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे. Verse 2. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the house where they were sitting. एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया. Because verse 1 says they were all with one accord in one place. क्योंकि वचन एक में लिखा है कि वह सब एक मन होकर एक साथ इकट्ठे हुए. हेलो, इफ यू वांट टू कम टुगेदर देन यू बेटर बी पार्ट ऑफ इट. इफ यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, गेट आउट. यदि आप यहाँ रहना चाहते हो, एक मन होकर के रहिए, नहीं तो आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं. I'm not here for the souls only, I'm here for you. मैं सिर्फ आत्माओं को जीतने के लिए नहीं हूँ, मैं आपके लिए यहाँ आया हूँ. For you, so that you be on fire and you win the lost, and then the lost begin to be found, then they become disciples. आप जब आग से भर जाओगे तो आत्माओं की खोज करोगे और वे आत्माओं आपके पास आएंगे और वे यीशु के चेले बन जाएंगे. What's the use of you bringing another soul but you're not on fire? दूसरी आत्माओं को प्रभु के पास लाकर जब आप आग से भरे नहीं हुए होगे तो क्या फायदा? You're going to go to heaven. तो आप स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे, आप निर्णय लीजिए. मौकेगी तो कहाँ जाओगे आप? You want to go to heaven also. आप स्वर्ग जाना चाहते हो. So you want to be on fire. इसलिए आप आग से भर जाइए. So wherever you are. जहाँ भी आप हो, Fire of the Holy Spirit is you. पवित्र आत्मा का आग आपके अंदर रहे. In the house, in the community, in your घराने among में, your friends, they must see the आपके fire. मित्रों के बीच में आपके अंदर आग को देखे लोग. In your office, they must see the something about you. आपके दफ्तर में लोग देखे कि आप भिन्न हैं. If they don't see anything. यदि वे कुछ नहीं देखते हैं, That means you fail. इसका मतलब कि आप सफल नहीं हुए हो. That means you do not seek God. इसका मतलब कि आप परमेश्वर की खोज नहीं करते. You seek God only in the church, something is wrong. यदि आप केवल कलीसिया में परमेश्वर की खोज करते हो तो कुछ गड़बड़ी है आपके अंदर. You seek God as an individual, then you come together, the fire of the Holy Spirit will come. आप अकेले में परमेश्वर की खोज करो और जब इकट्ठे होकर कलीसिया में आते हो तो परमेश्वर का आग आपको भर देगा. But I still believe. लेकिन अभी मैं विश्वास करता हूँ. There is still a church. हम अभी भी कलीसिया हैं. A church that is in the last days. कलीसिया जो अंतिम दिन का है. That still gets excited. यह अभी भी उत्साहित होता है. About the things of God. परमेश्वर की बातों के विषय. Are you going to be that church? क्या आप वह कलीसिया बनोगे? Are you going to be that church? क्या आप वही कलीसिया हो? Then get your life right. तो अपने जीवन को सुधार लीजिए. Get your lives right. अपने जीवन को सुधार लीजिए. Get the fear of the Lord inside your life. परमेश्वर का भय आपके अंदर आ जाए. Get the holiness into your life. आपके जीवन को पवित्र बना दीजिए. Get the character of Christ into your life. मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ जाए. Get filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से आप भर जाइए. Pray, tongue talking people, it's okay. प्रार्थना करिए और अन्य भाषा को बोलिए. You got to speak in tongue. आपको अन्य भाषा बोलना है. Even if you don't understand, you pray in the Spirit. यदि आप नहीं समझते हैं, फिर भी आत्मा में होकर के प्रार्थना करिए. And the more you begin to pray, and then suddenly understanding comes. जितना ज्यादा आप ऐसे प्रार्थना करोगे, अचानक एक दिन आपको समझ में आएगा. But if you don't step up by faith, if you don't step up by faith, if you don't speak, if you're not gonna, if you're gonna go into your office and then there's so many people gonna attack you, you go to the bathroom, you pray in tongue. आप अपने दफ्तर में जब होगे, वहाँ पर लोग आपके विरोध में यदि आते हैं, आप बाथरूम में जाकर के अन्य भाषा बोलिए, प्रार्थना करिए, तब लोग जान जाएंगे. You pray in the spirit, you go out, and then you share, then you speak, then you get the power of the Lord will influence the rest of the people. फिर आप बाहर आएंगे और जब लोगों को देखेंगे और आत्मा से भर करके आप जब जवाब देंगे, लोग उस अंतर को देख सकते हैं. A church that isn't afraid of the fire. एक कलीसिया
जो परमेश्वर की आग से नहीं डरती है। Church, they get excited when they read the word of John the Baptist. एक ऐसी कलीसिया जो यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में पढ़ करके वो उत्साहित होती है। Matthew chapter 3 verse 11. मत्ती अध्याय 3 वचन 11. He says like this. ऐसा लिखा है। I indeed baptize you with water unto repentance, but there is one coming after me. He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। Our God is a God of fire. हमारा परमेश्वर आग का परमेश्वर है। The word of God calls him a consuming fire. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Hello. Number one. पहली बात। To have fire, there must be a kindle. आग को पाने के लिए आपको तेल की जरूरत है। There must be fuel. आपको तेल की जरूरत है। Or ignite the fire. उस आग को जलाने के लिए। So on the day of Pentecost, 120 that were there. उस पेंटेकोस्ट के दिन में 120 लोग इकट्ठे थे। A people of God, I don't just believe only in the what the Bible say 120 down there and finish down there. I believe down here, 300, 400, 100. If we are in one mind, one accord. God's holy fire, consuming fire can come down. मैं ऐसा नहीं कहता कि केवल 120 लोग ही परमेश्वर की इस आग को प राप्त कर सकते हैं। नहीं, यहाँ हम लोग 300, 400 इकट्ठे हैं। हम एक मन होंगे तो परमेश्वर की आग को प्राप्त कर सकते हैं। 120 were there in one mind and one accord. 120 वहाँ थे, एक मन होकर के इकट्ठे हुए। Ready to be burned. वे तैयार थे जलने के लिए। Are you ready to be burned? क्या आप तैयार हैं? When the Holy Ghost fell, they were enveloped in the fire. जब पवित्र आत्मा उतरा, वे सब आग से भर गए थे। Oh, that fire was wild. वो जो आग थी, वो बहुत विशाल थी। Out of control fire. उनके नियंत्रण से बाहर थी वह आग। But it was of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा का वह आग था। You know the holy fire when it comes upon you. Kiralaba shandalabata. Kipikete. जब पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर आता है, it transforms you. वो आपको रूपांतरित कर देता है. It consumes all the filthiness in you. आपके अंदर की सारी गंदगी को वो दूर कर देता है. Making you holy unto him. आपको पवित्र बना देता है। All the wrong thoughts burning down. सारे जो बुरे विचार हैं, वह दूर हो जाते हैं। And only the holy fire in you. केवल वो पवित्र आग आपके अंदर ठहरता है। Now think, how righteous are you now? अब जरा सोचिए कि आप कितने धर्मी हो। How many of you are thinking what is right in your own eyes? आप में से कितने सोचते हो, आप जो करते हो वही सही है? Oh, can I do this? Or can I do that? Oh, come on. If you are with the Holy Spirit in you, oh, you have no need to worry because He will guide you. आप सोचते हो कि मैं यह करूं या वह करूं? यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, वह आपका मार्गदर्शन करेगा. He is disciplined. वह अनुशासित करता है. And He follows the rule. और वह नियम के अनुसार चलता है. And the church that follows Him follows the rules. कलीसिया जो उसका अनुकरण करता है, वह नियम के अनुसार चलता है। Is discipline. वह अनुशासित है। Working together. एक साथ मिलकर काम करते हैं। And when Peter speak, everybody listen. और जब पत्रस बोलता है, सब लोग उसकी सुनते हैं। Yeah, when the man of God speak, then you go back. But this one, no, this one, yeah, so yeah. और जब यहाँ परमेश्वर का व्यक्ति बोलता है, आप लोग कान लगाकर नहीं सुनते हो। Why don't you submit to the word of God? आप अपने आप को वचन के प्रति समर्पित करिए। Why are you not listening? आप क्यों कान लगाकर नहीं सुनते? Why are you not practicing? क्यों इसका अभ्यास नहीं करते? Can you see how stubborn we become? आप कितने जिद्दी हो, जरा देखिए। How can God use you? परमेश्वर आपका इस्तेमाल कैसे करेगा?
Of course, God wants to use everybody. परमेश्वर आप में से हर एक का इस्तेमाल करना चाहता है. If only we allow him to use us, then he will help us to change. यदि हम उसको अनुमति देते हैं तो वो हमें पूरी तरह परिवर्तित करेगा. Number two. दूसरी बात. The fire of God illuminates. परमेश्वर का आग हमें ज्योतिर्मय कर देता है. What do people see when they look at us? जब लोग हमें देखते हैं वह क्या देखते हैं? What do people see when they look in us? जब लोग हमें देखते हैं वे क्या देखते हैं? When people see when they look at us, what do they see? जब लोग हमें देखते हैं वह क्या देखते हैं? They should see because the fire is in us. वे जरूर देखेंगे क्योंकि परमेश्वर का आग हमारे अंदर है. And because the fire is in us, the love and the power. क्योंकि परमेश्वर का आग हमारे अंदर है उसका प्रेम और सामर्थ्य भी है. And if they can see the love and the power of God in us, oh, they should illuminate us. यदि परमेश्वर का प्रेम और सामर्थ हमारे अंदर है, वह हमें ज्योतिर्मय बना देता है. When people look in us, then they look the fire is in us, the love of God is in us, the power of God in us. These things illuminate us. जब लोग हमें देखते हैं, वे परमेश्वर के आग को हमारे अंदर देखते हैं, और वे हमें देखते हैं कि हम बिल्कुल दूसरे लोगों से अलग दिखते हैं. And how do you have the love of God? आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम कैसे आएगा? By drawing that love from Him. उस परमेश्वर से ही आप उसे प्राप्त कर सकते हो. How you get the power of God? परमेश्वर का सामर्थ्य कैसे मिलेगा? By coming in one accord. एक मन होकर ही आप प्राप्त कर सकते हो. And then the power of God will just pow in you. फिर परमेश्वर का सामर्थ्य आपको भर देता है. And these things will illuminate us among the others. ये सारी बातें जब हमारे अंदर में रहेंगी हम दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई देंगे. Moses was attracted to the burning bush. मूसा उस जलती हुई झाड़ के प्रति आकर्षित हो गया. Number three. तीसरी बात. The fire of God is not quenched. परमेश्वर की जो आग है उसको बुझा नहीं सकते हैं. The fire of God is not quenched. Leviticus chapter 6 verse 13. लय व्यवस्था 6 का वचन 13. A fire shall always be burning on the altar. It shall never go out. वेदी पर आग लगातार जलती रहे वह कभी बुझने न पाए. Notice God associate the fire with the altar. परमेश्वर आग और वेदी को एक साथ जोड़ता है. This is where we need the fire to be. परमेश्वर का आग यही पर हो. At an altar of prayer. प्रार्थना की वेदी. You may be on your last mile. हो सकता है कि आप अपने जीवन के अंतिम समय पर हो. But if you will kneel at the altar of prayer of God. यदि आप उस वेदी पर घुटने टेकोगे परमेश्वर के पास. God will reignite the fire within you. परमेश्वर आपके अंदर उस आग को दोबारा जलने देगा. It was said by Jesus. ईशु ने ऐसा कहा. A bruised reed will not break, and a smoking flax shall not he not quench. वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा. Okay? And a smoking flax shall he not quench, yeah? और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा. Some of you are like a bruised and broken reed. आप में से कुछ कुचले हुए सरकंडे के समान हैं. Your life is empty. आपका जीवन खाली है. And the fire is almost out. आपके अंदर आग नहीं है. It is just smoking. सिर्फ धुआं देती है. But Jesus is not going to let you be like that. लेकिन ईशु आपको ऐसी स्थिति में न छोड़ेगा. Jesus will not let you be quenched. वो आकर के आपकी प्यास को बुझाएगा. Ready to set you aflame for him again. फिर से आपके अंदर आग को जलाकर अपने लिए खड़ा करेगा. You know, if you are in this church. यदि आप इस कलीसिया में हो. No matter how stubborn you are. भले आप जितने भी जिद्दी हो. I believe. मैं विश्वास करता हूँ. That Jesus is not done with you. ईशु ने आपके अंदर पूरा काम नहीं किया है. That if you would humble yourself. यदि आप अपने आप को नम्र करोगे.
That fire would not be quenched. वो आग आपके अंदर न बुझेगी. That he can use you, reignite you, because every person is important. वह आपका इस्तेमाल करेगा क्योंकि हर एक व्यक्ति उसके लिए मुख्य है. You may have an attitude, but when God reignites you, that attitude will change. आपके अंदर की विचारधारा बिल्कुल अलग होगी, लेकिन जब परमेश्वर आपको अपने आग से जब भरेगा, आपके विचार बदल जाएंगे. He wants to set you aflame again. वह आपको फिर से आग से भरना चाहता है. Hello, people of God. If you're gonna be here, I believe, you know, maybe stubborn like a donkey, but then I will bank you up until you become a humble donkey. You still a donkey, but a humble one. आप यदि यहाँ पर हो, यदि आप बहुत ही जिद्दी गधे हो, लेकिन फिर भी मैं आपको तब तक सुधारूंगा जब तक कि आप एक नम्र गधे बन जाओगे. So that God can use you. ताकि परमेश्वर आपका उपयोग करे. You know, Jesus entered Jerusalem riding on a donkey. यीशु यरूशलेम गया, वह गधे पर गया. And if he can ride on a donkey, he controlled the donkey well, eh? यदि वो गधे के ऊपर गया सवार होकर, तो उसको अपने नियंत्रण में रखा उसने. So which donkey want to let Jesus handle you? कौन चाहता है कि यीशु आपके जीवन में आकर आपको नियंत्रण में ले ले? Hallelujah, praise the Lord. God wants to use you. परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता है. Don't give in to your desire, give in to God. अपनी मर्जी से ना चलो, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दो. Number four. चौथी बात. The fire of God doesn't stand still. परमेश्वर का जो आग है वह स्थिर नहीं रहता. On the day of Pentecost, 120 of them get on fire. पेंतेकोस्त के दिन में 120 जन आग से भर जाते हैं. By the end of the day, 3,000 were on fire. जब उस दिन का अंत होता है, 3,000 लोग आग से भर जाते हैं. That is why I told you I'm not worried about the church growth. मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि मैं कलीसिया की गिनती के विषय में नहीं चिंता करता. If you are on fire, यदि आप आग से भरे हो, when you go out, जब आप बाहर जाओगे, that fire will spread. वो आग फैल जाएगी. From you, one person can become 3,000. Can you imagine? एक व्यक्ति 3,000 बन सकते हो. That's what happened on the day of Pentecost. 120 of them on fire. 120 थे आग से भरे हुए. By the end of the day, 3,000 were on fire. It is contagious. उस दिन के अंत में 3,000 लोग आग से भर गए. वह फैलता गया. The fire of God always spread. परमेश्वर का आग फैलता जाता है. Once you get on fire, you're gonna spread that fire. जब आप आग से भर जाओगे, वह आग फैलती जाएगी. You gotta spread the message of hope. आपको इस आशा के संदेश को फैलाना है. You gotta spread the message of hope. आपको इस आशा के संदेश को फैलाना Hello, है. Hello, people of God. The fire can't stand still. परमेश्वर की जो आग है वह निष्क्रिय नहीं हो सकती. In Acts chapter 8, प्रेरितों अध्याय 8, they were scattered because of the persecution. सताव के कारण लोग वहां बिखर गए थे. But it didn't stop the fire. लेकिन उस आग को वे रोक नहीं सके. That persecution was to stop the fire, but the fire even spread more. सताव के कारण आग को बुझा नहीं सके, लेकिन वह आग और ज्यादा फैलती गई. Hello, the fire was not stopped from spreading; it was spreading even more. कोई भी उस आग को फैलने से नहीं रोक सका, आग फैलती गई. So the fire spread to Samaria. आग सामरी उस देश में फैल गई. And it says this. और यहाँ लिखा है. There was great joy in that city. और उस शहर में बहुत आनंद था. Can you imagine? आप कल्पना कर सकते हो. You get filled with the fire. आप आग से भर जाते हो. You can't contain that fire. आप उस आग को अपने नियंत्रण में नहीं रख सकते. You got to spread that fire. आपको उस आग को फैलाना है. And that fire touches somebody. और वह आग दूसरों को जाकर छूता है. That place will have the joy of the Lord. उस स्थान में परमेश्वर का आनंद आ जाएगा. That is why. Preach the message of hope. इसलिए परमेश्वर की इस आशा के संदेश को प्रचार करिए. Acts 1:8. प्रेरितों अध्याय 1 वचन 8. But you shall have power after the Holy Ghost, the fire has come upon you, and you shall be my witnesses
of me to the ends of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा आप पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। I just went to the ends of the earth. मैं इस पृथ्वी के अंत तक गया हूँ। It means इसका मतलब है when the fire hits you, जब आग आप पर उतर आए you go out, और आप बाहर जाते हो you must spread. और ये सब जगह फैल जाती है। In your community, that's Jerusalem. This is Jerusalem. आपके समाज में यह यरूशलेम है। Then you go to Samaria. फिर आप सामरी देश में जाते हो। You go to Judea. यहूदी में जाते हो। The places that you're going to visit. और सारे स्थानों पर जाते हो। And then you go to the ends of the earth. You go to Pakanbaru, the ends of the earth already. पृथ्वी के अंत तक सारे जगहों में आप जाते हो। You go to Africa, Selatan, the end of the earth already. फिर अफ्रीका जाते हो। You go to Antarctic, it's already the ends of the earth. अंताकिया में आप जाते हो। सबंग सबंग मारोके इस एंड ऑफ द ईयर। पृथ्वी के अंत तक आप जाते हो। कई स्थानों में आप जाते हो। So but you must spread the fire. आपको इस आग को फैलाना है। Don't wait for persecution to come. सताव आने के लिए इंतजार न करें। And I tell you, it's coming. मैं कहता हूँ कि वह आ ही रहा है। It's coming. आ रहा है। But don't wait for it to come. Spread the fire so that he will be hold back. आप इस आग को फैलाइए ताकि वो सताव रुक जाए। Number five. पांचवी बात। The fire of God restores broken and shattered lives. परमेश्वर का आग टूटे हुए उस जीवन को, बिखरे हुए उस जीवन को पुनर्स्थापित करता है। So the fire of God restores broken lives. परमेश्वर का आग आपके टूटे हुए उस जीवन को पुनर्स्थापित करता है। In Luke 9, John, James, John and Peter, Jesus are mistreated by the Samaritans. लुका अध्याय 9 में हम देखते हैं याकूब, यूहन्ना, पतरस और ईशु इनके साथ सामरी लोग सही बर्ताव नहीं करते हैं। James and John ask the Lord. याकूब और यूहन्ना ईशु से पूछते हैं। Shall we call down fire on them? क्या हम आग को उनके ऊपर उतार दें? Jesus said, you don't know what spirit you're of. ईशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। For the Son of Man, परमेश्वर का पुत्र, has not come to destroy men's life, but to save them. मनुष्य के जीवन को नाश करने नहीं आया है, उन्हें बचाने के लिए आया है। If we want revival, we have to be filled with the fire of God. यदि हमें बेदारी की जरूरत है, तो हमें परमेश्वर के आग से भर जाना है। In our churches, अपनी कलीसिया में, we have to be consumed by the fire. हम उस आग में भस्म हो जाएं। That the Pentecost can become here. ताकि यह जगह पिंतेकुस्त का दिन हो जाए। संपर्क करें
9137077892।